स्वागत करती हूँ अपने नवरात्रि ब्लॉग में। आज है नवरात्रि का चौथा दिन, तो मैं टेरेस पर से फूल तोड़ करके ले आई हूँ। साथ में यहाँ पर तोड़ रही हूँ पान के पत्ते। माँ दुर्गा का चौथा भव्य स्वरूप माँ कुष्मांडा का है और आज मैं चौथे स्वरूप की पूजा कर रही हूँ। बहुत ही साधारण तरीके से पूजा करती हूँ। थोड़ा बहुत फूल तो देखिए बगिया में निकल ही जाता है, तो आज लाल उड़हल के फूल भी खिल गए हैं। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा का विधान है। माँ कुष्मांडा की महिमा अद्वितीय है, इनकी उपासना से मन बहुत शांत होता है। कहते हैं जब संसार में चारों ओर अंधियारा छाया था, तब माँ कुष्मांडा ने ही अपने मधुर मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसीलिए इन्हें सृष्टि की आदि स्वरूपा और आदि शक्ति भी कहते हैं। इनकी आठ भुजाएं हैं, इनके सात हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, कलश, चक्र और गदा है। आठवें हाथ में सभी सिद्धियां और निधियों को देने वाली माला है। देवी के हाथों में जो अमृत कलश है ना, वह अपने भक्तों को दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य का वर देती है। और माँ की तो सवारी सिंह है, ये तो सभी लोग जानते हैं, और जो हमारे धर्म का प्रतीक भी है। और पूजा में बहुत सारा मंत्र नहीं भी जानते हैं ना, तो बस माँ के हर रूप का एक एक मंत्र आप जरूर कर ले। या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्कृता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसी तरह नौ रूप का एक एक रूप का आप नाम लेकर के और बस एक लाइन का मंत्र भी पढ़ देंगे ना, तो माँ इससे भी प्रसन्न होती है। पूजा पाठ करके फ्रेंड्स आ गई हूँ दिन की लसहारी तैयार करने के लिए। तो आज का जो मतलब कल का जो फलहारी वाला मैं थाली डाली थी, उसपे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं और सबका रिप्लाई मैं वीडियो का एंड में दूंगी। आप लोग बिल्कुल वीडियो में बने रहिएगा। और यहाँ पर मैं मिस्टर वर्मा को प्रसाद दे रही हूँ, तो अनार है, फल है और शाम में ड्राई फ्रूट दे देती हूँ। तो यहाँ पर ये प्रसाद खा रहे हैं और खाना जा रही हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। उसके पहले मैं अपने लिए चाय बना करके अलग कर लेती हूँ और कभी बादाम थोड़ा सा भूज लेती हूँ चाय के साथ, और नहीं तो कभी मखाना भूज लेती हूँ। तो आज ना लौकी वाला दाल बना रही हूँ। बेटा दो दिन से बोल रहा था कि लौकी वाला दाल बना दो, और साथ में इधर मैं ये भूज रही हूँ बादाम, थोड़ा सा घी डाल करके इसमें आधा दे दूंगी मिस्टर वर्मा को, थोड़ा सा मैं चाय के साथ खाऊंगी। और एक कमेंट्स आ गया ना कि कितना खाती हो नवरात्र व्रत में, तो देखिए मैं ना दूध खाती हूँ ना जूस पीती हूँ, यही बादाम खाए खाए रात को मैं 10 बजे थोड़ा सा साबुदाना बनाती हूँ, और मैं दूध भी नहीं खाती हूँ ना ज़्यादा दूध का चाय पीती हूँ, तो थोड़ा सा पानी मिला करके एकदम छोटा कटोरी से कटोरी बस साबुदाना खाती हूँ, यही मेरा फलाहार है। तो बिना जाने समझे बहुत से ऐसे ऐसे कमेंट्स भी आ जाते हैं। और एक कमेंट्स आए थे कि क्या आप दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करती हैं, तो हाँ मैं 9 दिन तक पाठ भी करती हूँ। और यहाँ पर आलू का चोखा बना रही हूँ। तो आलू का चोखा बनाने के लिए मैं क्या की ना कि लौकी थोड़ा सा कुकर में घी डाल करके जीरा देसी मिर्च डाल के लौकी को भून ली, और उसके बाद उसी में दाल डाल करके हल्दी डाल करके खूब लाल करके भून करके और उसमें दो आलू छील करके डाल दी, तो एक साथ मेरा ना मतलब दाल भी हो गया और यहाँ पर आलू भी बॉयल हो गया। तो यहाँ पर चोखा बना रही हूँ, तो अभी तो सात्विक थाली बन रही है, तो बहुत सिंपल तरीके से अभी जो भी रेसिपी आपके सामने लेके आ रही हूँ। तो इसमें एक हरी मिर्च और धनिया पत्ता जितना डालिएगा ना, अगर इस तरह का सादा चोखा बनाइएगा ना तो धनिया पत्ता डालिएगा तो बहुत स्वादिष्ट लगता है। और बिना लहसुन प्याज के मैं 5 तरह से चोखा बनाई हूँ, तो अभी मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में लिंक, तो आप लोग जरूर विजिट कीजिएगा, वो भी बिना लहसुन प्याज के, और बहुत ही स्वादिष्ट चोखा के भी रेसिपी शेयर की हूँ यहाँ पर। चलिए ये मेरा चोखा हो गया है। तो सिंपल सा चावल बनाई हूँ जिसमें अरवा चावल ही बन रहा है, और आज लौकी वाला दाल बना ली हूँ, चोखा है, सलाद है और बादाम का चटनी है। बादाम फिर आप लोग बोलिएगा कि मूंगफली, तो हम लोग बिहार में चिनिया बादाम बोलते हैं ना, इसीलिए हम लोग बादाम ही मुँह से निकल जाता है, मूँगफली का चटनी है। तो चलिए यहाँ पर थाली लगा लेती हूँ। और ये मतलब मेरी बहन अभी फ़ोन की और बहुत डांट रही थी, बोलती कि तुमको अंदाज नहीं है दो आदमी में इतना भात बना लेती हो और सिर्फ मतलब कबूतर लोग को खिलाती रहती हो। और सही में कबूतर लोग को अंदाज भी नहीं है, देते जाइए खाते जाएगा, देते जाइए खाते जाएगा। तो बहुत आज डांट लगाई है कि तुम इतना ज़्यादा खाना क्यों बनाती हो। मेरी दोनों बहन बहुत समझदार है, बहुत समझदारी से खाना पीना बनाती है। और मेरा क्या है ना,
ससुराल में पहले मैं साथ में रहती थी जेठ के साथ, तो वहाँ चार चार लोग थे काम करने के लिए, तो कभी कभी मैं खाना भी चढ़ाती थी तो बहुत लोगों का खाना बनता था। वही आदत मेरा अब बना हुआ है और मुझे लगता है ना कि जैसे चावल कम हो जाएगा, दाल कम हो जाएगा, तो आज भी वीडियो देख के बोली है कि इतना ज़्यादा दाल कौन खाएगा दो आदमी में। मेरा बेटा भी, क्योंकि इन लोगों का ऐसा जॉब है ना कि उन लोगों को एकदम हेल्थ मेंटेन करके चलना पड़ता है, तो वो भी गुस्सा करता है कि तुम जानवर के जैसा खाना क्यों लगाती हो, तो मेरे से बन जाता है। तो यहाँ पर आज लौकी वाला दाल बना दी हूँ और ऊपर से थोड़ा सा घी भी डाल दूंगी। तो कल की वीडियो में मैं दिखाई थी कि भागलपुर से मैं घी मंगा ली हूँ, तो वहाँ का घी में ना थोड़ा सा बहुत अच्छा सुगंध भी आता है, जैसे गांव का घी का खुशबू रहता है ना, वही खुशबू आता है। और जितना भी मैं यहाँ से मंगाती हूँ, चाहे अनिक का घी हो, राज का घी हो, चाहे कोई भी कितना भी शुद्ध घी लूँ, लेकिन वो वाला मतलब सुगंध नहीं आता है, तो इसीलिए मैं भागलपुर से मंगा लेती हूँ। तो भागलपुर से भी हमारी सिस्टर लोग का भी कमेंट्स आया था। यहाँ पर लगा देती हूँ दाल, और उसके बाद थोड़ा सा, जैसे ये सात्विक थाली है तो हल्का सा मैं घी लगा दे रही हूँ, और यहाँ पर पहले चोखा लगा देती हूँ और थोड़ा सा घी दाल में डाल दी हूँ ऊपर से, और थोड़ा सा भात में भी डाल दी हूँ। और सलाद है, सलाद में यहाँ पर खीरा है और मूली काट दी हूँ, एक हरी मिर्च है। तो टमाटर मेरे यहाँ कोई नहीं खाता है सलाद में, टमाटर एकदम कोई पसंद भी नहीं करता है, इसीलिए मैं कभी भी आप देखिएगा मेरे सलाद में टमाटर स्किप रहता है। और बहुत लोगों को क्या है ना कि टमाटर सलाद में बहुत पसंद करते हैं, तो यहाँ पर सलाद भी लगा दी हूँ। और कल मैं सात्विक थाली दिखाई थी तो उसमें मूंगफली का चटनी पीसी थी, तो आज है, आज भर चल जाएगा, तो उसको मैं लगा दूंगी। और यहाँ पर देखिए आज का दाल एकदम गाढ़ा बना दी हूँ, लौकी वाला दाल है, और यहाँ पर ये वाला चटनी मैं लगा देती हूँ। तो बहुत सारे ऐसे ऐसे नेगेटिव कमेंट्स कल आए हैं ना, सात्विक थाली डाली थी और हल्दी और मटर को लेके भी बहुत ऐसे सारे कमेंट्स आए थे। तो चलिए वीडियो के एंड में मैं सभी बातों का मैं रिप्लाई करूंगी। आप लोग मेरी फैमिली हैं, और यहाँ पर मिस्टर वर्मा का मैं थाली लगा देती हूँ। यहाँ पर देखिए ये सिंपल सा थाली बन करके तैयार है। ये लौकी का दाल ना मेरे बेटे को बहुत पसंद पड़ता है, और ये चोखा जो है मिस्टर वर्मा का फेवरेट है, लेकिन इसमें बोलेंगे क्या कि सरसों का तेल डाल दो, लेकिन सरसों का तेल बिल्कुल हम नहीं डालेंगे, क्योंकि ये 9 दिन व्रत का जो खाना है बहुत ही शुद्ध तरीके से बना रही हूँ। और यहाँ पर सिंपल सा सलाद है, बादाम की चटनी है, बादाम की चटनी मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चलिए मिस्टर वर्मा की थाली लग गई है, तो चलिए देती हूँ। और यहाँ पर चलिए उनका थाली लगा देते हैं, पानी भी लगा देंगे नहीं तो फिर गुस्सा हो जाएंगे। और सारा काम हो गया है, शाम के बज गए हैं 6:30, और अभी भजन लगाऊंगी और अब जा रही हूँ संध्या बत्ती करने के लिए। लेकिन उससे पहले ना कल के जो नवरात्रि वाला थाली था ना, तो बहुत सारे कमेंट्स आ गए कि इसमें हल्दी नहीं पड़ता है। तो देखिए आप अगर गूगल भी सर्च कीजिएगा ना, तो हल्दी में कहा जाता है कि इसकी तासीर गर्म होता है, तो इसीलिए लोग हल्दी नहीं डालते हैं। तो बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ गए कि नहीं, हल्दी को बॉयल करके पीस करके बनाया जाता है, इसीलिए हल्दी नहीं डालते हैं। तो हम लोग बिना हल्दी के खाना अशुभ मानते हैं, इसीलिए मैं हल्दी बनाई। और जब आपको नहीं हल्दी खाना है तो आप स्किप कर दें। और तीन मैं नाम लेना चाहती हूँ, एक तो सुनीता सिंह जी हैं, और कृति जी हैं, और एक तो सिंधु जी हैं। तो ये तीनों तो कल से मुझे इतना ट्रॉल कर रही है ना, तो मैं आप लोगों के कमेंट्स लेना चाहती हूँ। सबसे पहले सिंधु जी का कमेंट्स लेना चाहती हूँ कि उन्होंने मतलब मुझे लिखा है कि सबसे पहले कि आप इस तरह से थाली बनाई है, पनीर और मटर कौन खाता है, मटर सब्जी की गिनती में आता है। तो देखिए मटर को लेकर के भी बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मटर बना सकते हैं और स्किप भी कर सकते हैं। तो देखिए जब मिस्टर वर्मा की पोस्टिंग थी ना बाहर बाहर, पूना नासिक जयपुर में पोस्टिंग रहा है, तो मैं रही हूँ, तो वहाँ मैं देखती थी ना कि सुबह में फलाहार करते थे, रात में बस इस तरह की थाली खाते थे शुद्ध घी में बना हुआ। तो ऐसा नहीं कि लोग बिहार में, हमारे बिहार में क्या है ना कि लोग उपवास में साबूदाने की खीर खाते हैं, चाहे आपको साबूदाना का जो भी क्रिस्पी पकौड़ा बना लिए, चाहे ये सिंघाड़े का आटा का हलवा खाते हैं। लेकिन मैं बिहार से बाहर रही हूँ तो शाम को इसी तरह की थाली खाते हैं। तो ऐसा नहीं कि मैं बिहार के लोगों के लिए दिखा रही हूँ, बिहार से बाहर के लोग भी इस तरह की थाली खाते हैं। तो आपको अगर मटर नहीं मतलब लग रहा है कि मैं सही नहीं की हूँ, तो मटर को आप स्किप कर दीजिए, और उसको जिस तरह से आप 9 दिन बिना लहसुन प्याज की थाली बनाते हैं ना, तो वो सब्जी आप उसमें शामिल कर सकते हैं। तो ऐसा मतलब इस तरह से आप लोग कमेंट्स कर रहे हैं ना कि जैसे मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। और सुनीता सिंह जी का भी बहुत ऐसा, सुनीता सिंह जी बोल रही हैं कि
कि आप मेरा कमेंट बार बार क्यों डिलीट कर रही है, तो मैं किसी का कमेंट नहीं डिलीट करती हूँ। मेरी तो मतलब आदत ही नहीं है और मुझे फुर्सत भी नहीं मिलता है कि मैं किसी का कमेंट डिलीट करूँ, चाहे अच्छा हो बुरा हो। और बहुत ऐसा मतलब अच्छा अच्छा सजेशन भी आता है जिसको मैं फॉलो भी करती हूँ, और मुझे चाहने वाले बहुत है और उन लोगों का इतना अच्छा अच्छा सजेशन आता है, मैं फॉलो करती हूँ, बहुत कुछ सीखती हूँ। लेकिन आप तीन चार लोग जो है ना, बस मुझे लगता है मुझे ही नहीं परेशान करते हैं और लोगों को भी वीडियो पे जाके आप लोग परेशान करते हैं। और एक सिस्टर का कमेंट्स आ गया कि ये जो आटा है ना, तो उसमें आलू घस करके और बनाते, तो देखिए ये कविता किचन, निशा मधुलिका और सबको कॉपी कर करके लोग अपना चैनल और पेज चला रहे हैं। मैं किसी का कॉपी नहीं करती हूँ और मैंने तो बहुत अच्छा दिखाया कि आलू बिना डाले उसके अंदर स्टफ करके खाइए। चटनी भी मैं पीनट का चटनी दिखाई हूँ, बादाम का चटनी, तो उसके साथ आप खाइए। और एक मतलब कमेंट्स आ गया कि बादाम बोलती हैं, तो देखिए हम लोग बिहार में चिनिया बादाम बोलते हैं, जो मिलता है ना बादाम, तो चिनिया बादाम बोलते हैं हम लोग अपनी ठेठ भाषा में, वही लैंग्वेज है हम, मतलब ये नहीं है भाई, मतलब ये नहीं, आप लोग बोलते हैं जो ये बड़ा वाला जो बादाम आता है उसको बादाम बोलते हैं, हम लोग की भाषा है चिनिया बादाम, बस मेरे मुँह से बादाम निकलता है, तो इसका आंसर मिल गया होगा। और बहुत सारे ऐसे नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, और ये सिंधु जी का कमेंट्स आया कि इतना थाली जब आप नहीं खाती हैं तो क्यों बनाई है, तो मैं सिर्फ वीडियो के लिए बनाई है, तो हाँ मैं वीडियो के लिए बनाई हूँ, मेरा फैमिली है। और एक बार मिस्टर वर्मा के साथ भी वीडियो में दिखाई थी कि मिस्टर वर्मा रिटायर्ड पर्सन है, इनको पेंशन नहीं है, तो मुझे मेहनत करना है और मैं अपने बच्चों को भी मतलब बहुत आगे तक लेके जाऊंगी। और अगर आपके पास सब कुछ है भगवान की दया से, मेरे पास भी सब कुछ है, मुझे भी किसी चीज़ की कमी नहीं है, मैं शुरू से एक्टिव रही हूँ एज ए टीचर, बहुत सारे ऐसे फील्ड में काम भी करती हूँ, कोलोबरेशन करती हूँ, ब्रांड कोलोबरेशन करती हूँ, विदाउट मेड सारा घर का काम करती हूँ, उसके बाद से ब्रांड मेरे घर में पूरा ब्रांड मतलब भरा रहता, मुझे एक मेकअप का सामान भी नहीं खरीदना पड़ता है। तो आप लोग भी इस तरह से मेहनत करें। और एक चीज़ और वीडियो के माध्यम से बोलना चाहती हूँ कि बहुत लोग सारा दिन सेल्फी डालते हैं, लिपस्टिक लगाते हैं, चाहे बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन करके फोटो दिन रात पोस्ट करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी ज़िंदगी भी बहुत सुखी नहीं रहती है, कहीं ना कहीं वो भी फ्रस्ट्रेट रहते हैं। तो ये सब जो हम लोग सोचते हैं कि उसकी लाइफ बहुत अच्छी है, देखो उसके पास ये है, तो लेकिन सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ तकलीफ है। तो ये जो हम लोग काम कर रहे हैं ना, तो इसको भी आप लोग करने की कोशिश कीजिए, अपना जो कुकिंग है ना उसको दिखाइए। अगर मैं कुकिंग अगर वो वीडियो बनाती हूँ तो निशा मधुलिका जी को नहीं बनाना चाहिए, कविता किचन जी को नहीं बनाना चाहिए, अभी बिस्टी होम किचन है बहुत आगे गई है, उनके फादर जो है झारखंड में आटा चक्की चलाते हैं और वो कहाँ से कहाँ बढ़ गई है। और मेरे साथ तो सोचिए कि किसी का सपोर्ट भी नहीं है, मैं अकेले अपने वीडियो बनाती हूँ, एडिट करती हूँ, और उसमें ना कि सपोर्ट कीजिएगा ना कि आप नेगेटिव कमेंट्स कीजिएगा। तो आज रात से मुझे मतलब थोड़ा सा टेंशन हुआ है आप लोगों से, तो अगर कुछ बात अगर आप लोगों को बुरा लगा है तो इसके लिए सॉरी बोलती हूँ, लेकिन मुझे लग रहा था कि नहीं इसका कमेंट्स का रिप्लाई आप लोग के साथ मैं ज़रूर करूँ। तो चलिए संध्या बत्ती देके मिलती हूँ कल के पूजा ब्लॉग के साथ।